नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर में। हरियाणा के करनाल में बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जहां किसान मंगलवार को एक और बड़ी सभा की योजना बना रहे हैं। 28 अगस्त को हुई हिंसा की जगह इलाकों में तनाव है, जिससे किसान आक्रोशित हैं। इससे जुड़ी बड़ी कहानी के शीर्ष 10 बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। करनाल से IAS अधिकारी आयुष सिन्हा को बर्खास्त करने की मांग उठाई गई है, जिन्होंने पुलिस को किसानों के सिर फोड़ने के निर्देश दिए थे। ये वाक्य कैमरे में कैद हो गया था, जिस पर काफ़ी बवाल देखने को मिल रहा था। किसान संघों ने अधिकारी के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाने सहित कड़ी कार्रवाई के लिए 6 सितंबर की समय सीमा दी है। करनाल जिला अदालत के न्यायाधीश आयुष सिन्हा को उनके पद से हटा दिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस पूरी घटना पर असंतोष जताते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से नाराजगी जताई थी, साथ ही आपत्ति जताई थी कि मुख्यमंत्री क्रूर अधिकारी का बचाव कर रहे हैं। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आज एक बड़ी बैठक की, जहां उन्होंने अगले साल होने वाले भाजपा शासित उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में राज्य चुनावों में भाजपा का विरोध करने का संकल्प लिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगभग 8,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था, जिसमें राकेश टिकैत और अन्य कृषि नेताओं ने भाग लिया था। राकेश टिकैत ने कहा है कि इस तरह की बैठकें पूरे देश में होंगी, हमें देश को बिकने से बचाने की जरूरत है। किसानों, श्रमिकों और युवाओं को जीने का हक दिया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश भाजपा ने बैठक के आयोजकों पर राजनीतिक मंशा रखने का आरोप लगाया। यूपी बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी ने कहा है कि पंजाब और हरियाणा के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में लाया गया था, वे केवल अपने राजनीतिक हित के लिए किसानों का इस्तेमाल करते हैं। 28 अगस्त को हरियाणा पुलिस के लाठी आरोपी किसानों ने प्रधानमंत्री मनोहर लाल खट्टर की उपस्थिति में भाजपा की एक बैठक का विरोध करने के लिए करनाल जाते समय एक राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया था, जब लगभग 10 लोग घायल हो गए थे। कुछ ही समय बाद आयुष सिन्हा का वीडियो सामने आया, जिसमें पुलिस को सिर फोड़ने का निर्देश दिया गया था। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा के प्रधानमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, हालांकि अधिकारी आयुष सिन्हा के शब्द सही नहीं थे, लेकिन कानून और व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए कठोरता को बनाए रखा जाना चाहिए था, और इसी की वजह से हरियाणा के करनाल में बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो आप सभी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर, और ज्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।